हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये है आपका हार्डवोकन बाइकर रितिक। आज के वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा अपनी गाड़ी की रैप मैचिंग कैसे करें। गाइज अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो इस वजह से मैं लॉ ब्रेक नहीं करना चाहता कोई भी, तो मैं घर के अंदर से आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। दोस्तों पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रैप मैचिंग को किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। जैसे मान लो आप कहीं कभी रेस कर रहे हो, तो रेस के टाइम पे आप सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन लेना चाहोगे, सबसे ज्यादा फास्ट अपने कार को चलाना चाहोगे, और उस टाइम पे इंजन ब्रेकिंग की वजह से आपकी कार स्लो हो जाए बिल्कुल नहीं चाहोगे ये चीज़। इसके लिए हम रैप मैचिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि रेस के टाइम पे एक एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जीतने के लिए। तो आपको मैं बताता हूँ रैप मैचिंग गाइस। अगर आप मान लो आप अपनी गाड़ी को, आपकी गाड़ी चल रही है 50 की स्पीड पे और फिफ्थ गियर पे, तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाना चाहते हो गियर डाउन करके। तो जब आप गियर डाउन करोगे ना, क्लच दबाओगे फिफ्थ गियर में, जैसे मान लो आपकी गाड़ी फिफ्थ से फोर्थ में करोगे, तो आप जब क्लच छोड़ोगे तो एक झटका सा लगेगा, और आपकी कार की झटका लगते ही आपकी गाड़ी की आरपीएम एक तो बढ़ जाएगी और आपकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब उस टाइम पे जो झटका लगता है उसे इंजन ब्रेकिंग कहते हैं। उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं रैप मैचिंग का यूज़ करते हुए। इंजन ब्रेकिंग के भी अलग ही फायदे हैं, उसको हम अलग अलग सर्टेन सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर इधर मिल जाएगा, उसको एक बार चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। देखो जैसे अभी आपकी गाड़ी है फोर्थ गियर में, फोर्थ से आपने किया थर्ड गियर, ब्लिप करो, और उस केस में फिर आप जब क्लच छोड़ोगे ना, तो आपकी गाड़ी की इंजन ब्रेकिंग 1% भी नहीं होगी और आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी झटका जर्क टाइप नहीं आएगा। इसे कहते हैं रैम मैचिंग। मैं पहले पूरी सिचुएशन समझाता हूँ क्या होता है। आपकी गाड़ी का क्लच घूम रहा है आपकी गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग, और आपकी गाड़ी का इंजन, क्योंकि आपने क्लच दबा दिया है और उसकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजन आ जाएगा लो आरपीएम पे, जैसे अभी फिलहाल है 900 या फिर समथिंग, जो भी आपकी गाड़ी की आइडियल आरपीएम है उस पर आ जाएगा। तो जब आप रैम मैचिंग करोगे, तो जिस स्पीड पे आपकी गाड़ी का क्लच घूम रहा है उसके बराबर रेव आ जाएगी, मतलब इंजन घूमने लग जाएगा। जब आप क्लच को छोड़ दोगे, उस टाइम पे जब दोनों प्लेट्स मिलेंगी आपस में, मैच होंगी, तो उन दोनों की स्पीड लगभग सिमिलर होगी, तो उससे आप 80 और 90% आप झटका जर्क इंजन ब्रेकिंग को कंट्रोल कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। अब दोस्तों इसका यूज़ कॉर्नरिंग करते टाइम, अपनी गाड़ी को मोड़ते टाइम, जैसे पहाड़ी इलाकों में आप अपनी गाड़ी को मोड़ रहे हो उस टाइम पे भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब हम गाड़ी को मोड़ रहे होते हैं और उस टाइम पे गियर डाउन करके हम क्लच छोड़ते हैं, तो गाड़ी के डिसबैलेंस होने के चांसेज होते हैं, वो चांसेस रैप मैचिंग को करके ख़त्म हो जाएंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है जब आपको अपनी गाड़ी को बहुत फास्ट चलाना पड़ता है, अपनी गाड़ी को पुश करना पड़ता है, उस सिचुएशन में रैप मैचिंग बहुत ज़्यादा काम आता है। इसलिए मैंने आपको बताया है इसके ऊपर, जो आपको मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ इसके ऊपर बहुत कम वीडियोस मिलेंगे एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए, तो उसके बाद मैं आपको बहुत एडवांस टेक्निक्स बताऊंगा गाड़ी चलाने के लिए। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय, स्टे होम स्टे सेफ।